दुनिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए खूबसूरत एक्ट्रेस की तो अक्सर अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड में उस पुराने दौर की, यहाँ पर कई एक्ट्रेस आईं और अपनी सुपरहिट फिल्मों के जरिए, अपनी खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों में राज कर गईं। वहीं आपको बता दें आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक और मशहूर अदाकारा जो कि उस दौर में बेहद ही मशहूर हो चुकी थी। बता दें आपको हम बात कर रहे हैं रीना रॉय की। तो चलिए बताते हैं आपको रीना रॉय के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे आप सभी अनजान होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें, जब रीना रॉय फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मानो अपनी खूबसूरती के जरिए वो छा गई थी। जहां एक ओर रीना रॉय सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी तो वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ भी सभी के सामने आती जा रही थी। रीना रॉय अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ती ही जा रही थी, उन्हें एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में मिल रही थी। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई ऐसी खबरें सामने आने लगी थी। बता दें आपको कि रीना रॉय के अफेयर की चर्चाएं जोरों शोरों से उड़ी थी बॉलीवुड के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। ऐसे में रीना रॉय से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। जहां पर एक ओर रीना रॉय अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी तो वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ ही काफी लाइमलाइट में रही है। तो बता दें आपको रीना रॉय की उस जिंदगी के बारे में जहां पर रीना रॉय ने शादी के बाद कई ऐसी चीजों का सामना किया, वही चीज आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिरकार रीना रॉय की शादीशुदा जिंदगी कैसी रही थी और क्यों उनका तलाक हो गया, तो चलिए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए रीना रॉय की जिंदगी के बारे में। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं रीना रॉय। 70 से 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती हैं रीना रॉय। इन्होंने नागिन, गुमराह, जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में काम करके अपनी एक खास पहचान बना ली थी, जहां पर इनके फैंस इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें जानने लगे थे। वहीं अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ की तो रीना रॉय की पर्सनल लाइफ काफ़ी सुर्खियों में रही है और साथ ही साथ इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा ही लोग इनके बारे में जानने की कोशिश भी करते थे। बता दें आपको कि लोग जानते ही होंगे कि रीना मुस्लिम पिता और हिंदू माँ की संतान है। जब पेरेंट्स का तलाक हुआ तो ये भाई बहनों के साथ माँ के साथ ही रहने लगी थी। वहीं ये भी कहा जाता है कि माँ और भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए रीना ने होटलों में बतौर कैबरे डांसर भी काम किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रीना ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत डायरेक्टर बीआर चोपड़ा की फिल्म नई दुनिया नए लोक से की थी, जिसमें उनके को एक्टर डैनी थे। लेकिन ये फिल्म अटक गई और चोपड़ा ने दोनों ही एक्टर्स को फिल्म जरूरत, जो कि आई थी साल 1972 में, साइन कर लिया। ऐसे में न्यूकमर विजय अरोड़ा भी एक्टर थे। इस फिल्म से रीना को एस अटेंशन तो मिल गई, लेकिन रीना रॉय को जरूरत थी एक ऐसी पहचान की कि दुनिया उन्हें जाने। बता दें आपको कि रीना रॉय की फिर आई फिल्म मिलाप, जो कि साल 1972 में आई थी, और इस फिल्म में उनके साथ नजर आए शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन रीना रॉय को असली पहचान मिली फिल्म कालीचरण से, जो कि साल 1976 में आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष गई थे। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट पर ही रीना और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। जहां एक ओर शत्रुघ्न सिन्हा उस समय के सुपरस्टार्स में से एक थे, तो वहीं दूसरी ओर खूबसूरत रीना रॉय भी बॉलीवुड में छा गई थी। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी काफी फेमस रही है। ऐसे में जब भी इस खूबसूरत जोड़ी की चर्चा होती है तो सभी की जुबान पर शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का नाम जरूर आता है। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा से हटकर बात की जाए रीना रॉय की शादीशुदा जिंदगी की, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी लाइमलाइट बटोर चुकी हैं। बता दें आपको कि रीना ने अपनी जिंदगी में काफी सारे संघर्ष झेले हैं। रीना की शादी हुई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से। मोहसिन खान शादी के बाद अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर बॉलीवुड में आ गए थे। रीना उनके साथ कुछ फिल्मों में काम भी कर चुकी थी और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा सनम खान।
हालांकि दोनों की शादी कुछ वक्त बाद टूट गई थी और ये दौर रीना के लिए बेहद ही दुख भरा था। बता दें आपको कि यहां पर विश्व कप में मैच भारत के हाथों में मैच हारने के बाद पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया कि मोहसिन ने पीसीपी अध्यक्ष एहसान मनी से निवेदन किया था कि उन्हें इस पद से मुक्ति मिल जाए। मोहसिन खान भले ही पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान से खास जुड़ा हुआ था, उनका खास कनेक्शन था हिंदुस्तान से। वहीं अगर बात की जाए मोहसिन खान की तो मोहसिन खान का कनेक्शन एक्ट्रेस रीना रॉय से था। करियर के शुरुआती दिनों में रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के काफी चर्चे रहे थे और फिर उनकी जिंदगी में आ गई मोहसिन खान। यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना से शादी नहीं की थी लेकिन इसके बाद रीना की मुलाकात हो गई थी मोहसिन खान से। उनकी जिंदगी में जब मोहसिन खान आए तो उनकी जिंदगी में कई सारे बदलाव आ गए और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब इन दोनों की शादी हो गई तो शादी के बाद इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम सनम खान रखा गया और पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ रीना उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी। लेकिन प्यार में उन्होंने करियर छोड़कर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी तो कर ली, फिर इसके बाद ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया। जी हाँ, खबरें यही आई कि इनका रिश्ता ज़्यादा खास नहीं चल पा रहा है। दोनों की जहां पर एक और बेटी थी तो वहीं दूसरी ओर अपनी बेटी के लिए बेहद प्यार लुटाते नजर आते थे मोहसिन खान। मोहसिन खान अपनी बेटी को प्यार से बुलाते थे जन्नत, लेकिन रीना रॉय अपनी बेटी को सनम बुलाती थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सनम रखा था। रीना ने 1982 में उनकी हिट फिल्म सनम तेरी कसम से इम्प्रेस होकर अपनी बेटी का नाम यही रख दिया और जब ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया तो इन दोनों ने फैसला कर लिया रिश्ता तोड़ने का। रीना और मोहसिन का रिश्ता टूटा तो सवाल आया बेटी की कस्टडी का। तलाक हो गया और तलाक के बाद कस्टडी मोहसिन को मिली, लेकिन इसके बाद रीना ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपनी बेटी की कस्टडी को पा लिया। ऐसे में रीना रॉय अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रही हैं, वहीं लाइमलाइट से दूर नजर आती हैं, लेकिन रीना अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे ढंग से पालती हुई नजर आई। इनकी शादी भले ही ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई लेकिन तलाक के बाद अपनी बेटी पर पूरा फोकस उन्होंने किया। वहीं साल 2015 में एक ऐसी खबर भी आई कि रीना सीरियल रानी महल से टीवी पर डेब्यू करेंगी। ये सीरियल किसी वजह से ठंडे बस्ते में चला गया और इससे जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई। फिर आया साल 2016, यहाँ पर रीना की बेटी सनम के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें भी आईं, लेकिन इसके बाद ये भी नहीं पता चला कि वो फिल्म आई कि नहीं आई, इसकी कोई चर्चा ही सामने नहीं आई। फिलहाल तो रीना अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रही हैं। जैसा कि आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे, रीना रॉय की बेटी को बेहद ही खूबसूरत लगती हैं और वहीं रीना ने अपने सफ़र में, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कई दुखों का सामना भी किया, लेकिन फिर भी वो डट कर इन दुखों का सामना करती हुई नजर आई। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से रीना रॉय की जिंदगी इतनी लाइमलाइट में रही थी। यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए रीना रॉय बेहद ही खबरों में आ चुकी थी। यहाँ पर उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी तो वहीं दूसरी ओर उनकी शादी हो गई थी मोहसिन खान के साथ, लेकिन ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और बाद में रीना रॉय और उनके पति एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं बात जब बेटी की आई तो आपको हमने बता ही दिया है अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से रीना रॉय अपनी बेटी को पाने के लिए लड़ती हुई नजर आई और आज के दौर में रीना रॉय अपनी बेटी सनम खान के साथ रहती हैं। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा ही होगा कि रीना रॉय की बेटी भी बेहद ही खूबसूरत है। वहीं दूसरी ओर खबरें ये भी आई कि वो भी डेब्यू कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो रीना रॉय की उम्र बढ़ चुकी है, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी खूबसूरती ढल तो चुकी है, लेकिन फिर भी रीना रॉय कहीं ना कहीं स्पॉट की जाती हैं। आज भी उनकी खूबसूरती लोगों के दिलों में बरकरार है, उनकी दमदार एक्टिंग को लोग आज भी पसंद करते हैं। जब भी उनकी पुरानी फिल्में देखी जाती हैं तो रीना रॉय की खूबसूरती और दमदार एक्टिंग लोगों को बेहद ही आकर्षित कर जाती है अपनी ओर।
सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है रीना रॉय को लेकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।